नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना झा स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग में कार्यरत हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। साथ ही मैं अपना क्लिनिक भी चलाती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी में सिम्टम्स क्या क्या हैं या परेशानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जो अर्ली सिम्टम है, आपने पीरियड मिस किया, ये सबसे पहला सिम्टम है। जब आपका पीरियड ओवरड्यू होता है, मतलब कि आपका मेंस आने वाला था 5 तारीख को और आज 10 तारीख या 12 तारीख हो गया और आपका पीरियड्स नहीं आया, तो ये प्राइमरी संकेत है। ज़्यादातर केस में ओवरड्यू होने के बाद भी पेशेंट को पता लगता है कि मेरा कुछ बात है, जो मेरा पीरियड्स ओवरड्यू हो गया। खास करके ऐसे पेशेंट में जिनका मासिक धर्म का जो चक्र है वो एकदम नियमित होता है। जैसे बोलते हैं 28 दिन में मेरा पीरियड्स आ ही जाता है, मैडम आज मेरा पीरियड 10 दिन ज़्यादा हो गया, तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी ठहरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और इनको प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करके देखना चाहिए। दूसरा सिम्टम है आपको नौजिया या वोमिटिंग, मितली जैसा लगना, मितली आता नहीं, लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी लेकिन होता नहीं, ज़्यादा ये कॉमन है खास करके सुबह में। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस एक इम्पॉर्टेंट साइन है प्रेगनेंसी का। ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देता लेकिन किसी किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता हो जाती है या कभी कभी उन्हें एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि वो कुछ भी खा पी नहीं पाती हैं। इस केस को हम लोग बोलते थे हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन ये फैमिली में होता है और अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में हुआ था तो इस बार भी हो सकता है। और कई बार ये हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम मल्टीपल प्रेगनेंसी, जुड़वा या ट्रिपलेट बच्चे के कारण भी हो सकता है। और कभी कभी एक परेशानी है फर्स्ट ट्रेमेस्टर की, इसमें जो है प्रेगनेंसी तो रुकती है लेकिन उसमें फीटल्स का लॉस हो जाता है और प्लासेंटल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन्स का ग्रोथ होने के कारण से उसमें अंगूर के गुच्छे जैसा कुछ बन जाता है पेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी हायरपिडी फॉर्म। ये खतरनाक चीज़ होता है, जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बातें की अभी आपसे। तीसरा जो पे होता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बार बार यूरिन जैसा एहसास होना और यूरिन बार बार आना, जैसा लगता है कि अभी मेरे फिर से मुझे पेशाब हो जाएगा। तो इस तरह की जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है ये भी हॉर्मोन्स के कारण ही होती है और जो यूट्रस ग्रो करता है उस वो प्रेशर डालता है यूरिनरी ब्लैडर पे, पेशाब की थैली पे, उसकी वजह से ऐसा होता है। और कभी कभी ये UTI मतलब यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आमतौर पर इसको बोलते हैं बीकोलाई हो गया, वो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पुरुषों की तुलना में 8 गुना कॉमन है और प्रेगनेंसी जब होती है उस समय ये और ज़्यादा कॉमन होता है, तो इस वजह से इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरी जो बातें हैं पेन तो ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, माइल्ड पेन आपको हो सकता है लेकिन अगर पेन हो रहा है और बार बार हो रहा है तो ये या तो UTI की वजह से हो सकता है या एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है या फिर हो सकता है कि जो गर्भस्थ शिशु है वो सही जगह नहीं है। जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में काफ़ी सीवियर पेन होता है और पेशेंट बेहोश भी हो सकती हैं, उसी तरह से मोलर प्रेगनेंसी में वेग पेन, थोड़ा पेन होता ही रहता है लोअर एब्डोमेन में। और अगर बच्चा एबॉर्शन होने वाला है वैसे भी केस में आपको पेन हो सकता है, तो अगर पेन हो रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और कई बार स्मेल का चेंज हो जाता है या टेस्ट का चेंज हो जाता है, तो ये सभी प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। और थोड़ा बहुत पेन ब्रेस्ट में हो सकता है क्योंकि शुरू के 3 महीने में ब्रेस्ट बढ़ता है, तो ब्रेस्ट के बढ़ने से वहाँ कंजेशन होता है, ब्रेस्ट का पेन हो सकता है। तो आमतौर पर ये पहले 3 महीने में पेशेंट फील करती है, ये अर्ली सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के जिनमें हम लोग सलाह लेते हैं या हम लोगों को पता लग सकता है कि शायद हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है। कंफर्म तो आप लोग प्रेगनेंसी किट से कर लिया और भी कंफर्म हम लोग अल्ट्रासाउंड से करते हैं जो फर्स्ट ट्रेमेस्टर स्कैन में पता लगता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि निगेटिव आ गया लेकिन आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ इंक्रीज मतलब सिम्टम्स हैं लेकिन आपको लग रहा है कि निगेटिव आया है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी डिलेड होने के कारण, ऑपरेशन डिलेड होने के कारण ये साइकिल जो है आपका थोड़ा बढ़ गया हो, उसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में हार्मोन्स कम होते हैं तो निगेटिव आ सकता है। ऐसे केस में अगर फिर आप 1 हफ्ते के बाद रिपीट करेंगी तो आपका 2 डार्क लाइन आ जाएगा, अश्योर्ड हो जाएंगी कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। कुछ जो परेशानी है जिनके लिए आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, एक तो बहुत बार 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 पेशाब आना या बहुत पेट में दर्द होना या फीवर हो जाना या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होना,
या ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग जैसा कि मैंने बताया एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, या अबॉर्शन के प्रोसेस में है उसमें भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ भी समस्या होने से आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।